मूवी नरेशन हिंदी प्रियंटिंग दिया। दोस्तों आपने मूवी तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस मूवी का एंड आपको हिलाकर रख देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत में हमें दिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि रेलवे ट्रैक पर बैठी होती है। दिया के चेहरे पर कुछ चोटों के निशान होते हैं। अचानक दिया खड़ी हो जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है और अपने मन में बोलती है कि हे भगवान, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। मेरी जिंदगी दुख दर्द से भरी पड़ी है। अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मुझे शांति चाहिए। दिया की बातों से हमें पता चलता है कि दिया यहाँ पर सुसाइड करने आई है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो अंदर से टूट चुकी है। तभी हमें दिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लाइब्रेरी में बैठी होती है। दिया टेबल पर ही सर रखकर कुछ सोच रही होती है। तभी दिया को कुछ अजीब सा लगता है। उसे लगता है मानो उसके कान में कोई कह रहा हो कि अपना सर ऊपर उठाकर देखो। दिया अपना सर ऊपर नहीं उठाना चाहती, लेकिन किसी की आवाज उसे बार बार परेशान करती है। दिया जैसे ही अपना सर ऊपर करती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि सामने रोहित नाम का लड़का खड़ा था। रोहित को देखते ही दिया को ऐसा लगता है मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उसे ऐसा लग रहा था मानो रोहित और दिया के अलावा लाइब्रेरी में कोई नहीं है। लाइब्रेरी के सभी लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। दिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी रोहित दिया की तरफ देख लेता है। दिया घबरा जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। बीते दिनों के साथ साथ दिया रोहित का पीछा करने लगती है। उसे पता चलता है कि रोहित के माँ बाप नहीं है, उसकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वो सिंगापुर में रहती है। दिया को जहाँ भी रोहित दिखता है वो उसे बस देखती रहती है। रोहित को पेंटिंग बनाने का शौक होता है, इसलिए वो तरह तरह की पेंटिंग बनाता है। एक दिन वो ऐश्वर्या राय की पेंटिंग बनाता है। तब उसके दोस्त सलाह देती है कि तुम्हें अपनी पेंटिंग नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। रोहित का मन नहीं होता, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वो पेंटिंग को नोटिस बोर्ड पर लगा देता है। दिया जब उस पेंटिंग को देखती है तो वो उसमें खो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग रोहित ने बनाई थी। दिया उस पेंटिंग को देख ही रही होती है, तभी पीछे दो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि पेंटिंग इतनी अच्छी है तो पेंटिंग बनाने वाला कितना अच्छा होगा। दिया को इससे जलन महसूस होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी रोहित के नज़दीक भी जाए, इसलिए वो पेंटिंग को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। अगले दिन रोहित फिर से दूसरी पेंटिंग लगाता है। वो पेंटिंग भी दिया अपने साथ ले जाती है और अपने कमरे में लगा देती है। रोहित इससे परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी पेंटिंग चुरा कौन रहा है। इधर आज दिया मन बना लेती है कि आज वो रोहित को अपने मन की बात बता कर ही रहेगी, इसलिए दिया प्रैक्टिस करने लग जाती है कि वो रोहित से किस तरह बात करेगी। दिया को रोहित से बात करने के कई मौके मिलती है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाती, या यूं कहें कि उसकी बात करने की हिम्मत नहीं होती। रात को दिया सोचती है कि उसे रोहित से बात करने के लिए कोई ठोस रीजन चाहिए। तभी उसे उन पेंटिंग्स का ध्यान आता है जो वो नोटिस बोर्ड से चुरा कर लाई थी। इसके बाद दिया उन पेंटिंग्स को रोहित को दिखाती है और उससे बात करती है। बीते दिनों के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी दिया की नींद खुल जाती है, क्योंकि दिया सपना देख रही होती है। अगले दिन दिया मन बना लेती है कि आज तो वो रोहित को अपने मन की बात बताकर ही रहेगी, इसलिए वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रोहित उसे कहीं नजर नहीं आता। रोहित का इंतजार करते करते दिया को शाम हो जाती है, लेकिन रोहित उसे कहीं नजर नहीं आता। हार थक कर दिया अपने कमरे पर वापस आ जाती है। अगले दिन दिया रोहित के साथ पढ़ने वाली एक लड़की से पूछती है कि रोहित कहाँ है। तब वो लड़की बताती है कि तुम्हें नहीं पता, रोहित की तो कोरिया में जॉब लग गई है, इसलिए वो कॉलेज छोड़कर चला गया। ये बात सुनकर दिया के पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। आज तो वो रोहित को अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया। अब दिया हर समय रोहित के बारे में ही सोचती रहती है। उसने खाना पीना भी कम कर दिया है। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। इसी तरह हमारी कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब दिया मुंबई आ चुकी है, लेकिन अब भी वो रोहित को भूल नहीं पाई है। आज भी वो अपसेट रहती है। एक दिन दिया को लिफ्ट में रोहित की एक झलक दिखाई देती है। दिया सोचती है कि क्या यह सच में रोहित था या उसका कोई भ्रम था। अगर ये रोहित था तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दिया जब दोबारा देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो सच में रोहित होता है। दिया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो रोहित को बस देखे ही जा रही थी। दिया जब लिफ्ट से बाहर आती है
तो रोहित बोलता है कि आपका नाम दिया है ना, मैंने आपको कॉलेज में देखा था। पता नहीं आपने मुझे देखा था या नहीं, दिया अपने मन में बोलती है कि पागल, तुम्हें देखने के चक्कर में ही तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं तो कॉलेज में हर वक्त तुम्हें ही देखा करती थी। इसके बाद दिया रोहित से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो कोरिया गए थे ना। रोहित बोलता है मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। दिया शाम को जब अपने रूम पर आती है तो सामने वाले रूम में वो रोहित को देखती है, क्योंकि रोहित का रूम दिया के रूम के जस्ट सामने होता है। फिर से इन दोनों में बात होना शुरू हो जाती है। दिया बोलती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। रोहित बोलता है मुझे जॉगिंग करना बहुत पसंद है, मैं हर सुबह जॉगिंग करने जाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जॉगिंग पर चलोगी। दिया बोलती है मैं तो उठती ही सुबह 9 बजे हूँ, क्योंकि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। रोहित उसे बोलता है तुम अपनी आंखें बंद करके उस इंसान को देखो जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, और अपने मन में उसे अपने मन की बात बोलो, ऐसा करने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी। इसके बाद दिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी इमेजिनेशन में रोहित को देखती है, वो अपने मन में उसे आई लव यू बोलती है। तभी यहाँ पर दिया के पापा और अंकल आ जाते हैं। दिया पापा और अंकल को रोहित से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद दिया अपने रूम में चली जाती है। आज रात को दिया को अच्छी नींद आई थी, वो सुबह 6:30 बजे उठ जाती है और वो जॉगिंग जाने के लिए रोहित का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रोहित आ जाता है और ये दोनों जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दिया जल्दी थक जाती है क्योंकि उसने आज पहली बार जॉगिंग किया था। अगले दिन फिर से ये दोनों जॉगिंग करने जाती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। एक दिन दिया रोहित को किसी दूसरी लड़की से गले लगते हुए देख लेती है। ये देखकर दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर से उसका सपना टूट जाता है, लेकिन इस बार उसने रोहित को हमेशा के लिए खो दिया था। इसी कारण वो उन पेंटिंग्स को भी फाड़ देती है जो रोहित ने बनाई थी। सुबह दिया जब अपने रूम से बाहर आती है तब वो गेट पर एक गिफ्ट देखती है। वो गिफ्ट लेकर अपने रूम में आ जाती है और गिफ्ट को खोलकर देखती है, उसमें एक किताब होती है। जब दिया उस किताब को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस किताब में दिया की ढेर सारी पेंटिंग होती हैं जो कि रोहित ने बनाई थी। उसमें एक लेटर भी होता है, उस लेटर में लिखा था कि दिया मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा जब तुम कॉलेज की लैब में थी, तुम्हें देखते ही मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया, इसके बाद मैं तुम्हें हर रोज देखने लगा, मैं तुम्हें अपने मन की बात कहना चाहता था लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद मेरी जॉब लग गई और मैं कोरिया चला गया, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया और मैं वापस मुंबई आ गया। दिया आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेटर को पढ़कर दिया के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो भागकर गेट के पास जाती है। सामने ही रोहित खड़ा होता है। दिया रोहित से बोलती है वो लड़की कौन थी। रोहित बोलता है वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे प्यार से बोल दिया कि मैं दिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसी के लिए मैं मुंबई वापस आया हूँ। ये सुनकर दिया जोर से रोहित के गले से लिपट जाती है। आज उसे उसका प्यार वापस मिल गया था, उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी, आज वो बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों मूवी देखने चले जाती है। मूवी देखते वक्त रोहित दिया को प्यार का एक साइन बताता है। वो दिया के हाथ को पकड़कर उसे 3 बार प्रेस करता है और बोलता है कि इसका मतलब होता है आई लव यू। दिया बोलती है अगर मुझे इसका जवाब देना हो तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगी। रोहित बोलता है इसके जवाब में तुम मेरे हाथ को 2 बार प्रेस करना, इसका मतलब होगा मी टू। जब मूवी खत्म हो जाती है तो दिया रोहित के साथ बैठकर अपने रूम की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में रोहित दिया से बोलता है कि अगले महीने मेरी बहन और मेरे जीजाजी मुंबई आ रहे हैं, उनके आते ही हम दोनों उनसे शादी की बात कर लेंगे। दिया बोलती है तुम्हारी बहन और जीजाजी तो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन मेरे पापा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। रोहित बोलता है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे पापा भी शादी के लिए मान जाएं। दिया जवाब देने ही वाली होती है तभी एक कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट को देखकर आसपास के सभी लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। हॉस्पिटल में जब दिया को होश आता है तब उसकी जुबान पर सिर्फ रोहित का नाम होता है। वो अपने अंकल से पूछती है कि रोहित कहाँ है, अब वो कैसा है। अंकल बोलती है कि रोहित के सिर में बहुत चोट आई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही दिया फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसकी जिंदगी बेजान हो चुकी थी, वो एक ऐसी जगह चला गया था जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकता था। यहाँ पर दिया को रोहित की लाश भी दिखाई जाती है। दिया रोहित के गम में अपने आप को जख्मी कर लेती है।
दिया की ऐसी हालत को देखकर उसके पापा उसे बेंगलोर भेज देती हैं ताकि दिया रोहित को बुला पाए। बेंगलोर आकर भी दिया रोहित को बुला नहीं पाती, वो उसे हर वक्त याद करती रहती है। एक दिन दिया पार्क में बैठकर रोहित को याद कर रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त का कॉल आता है। वो बोलती है कि आज मैं तुम्हें दवाई दिलाने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। तभी दिया को एक अखबार का टुकड़ा दिखाई देता है, उसमें लिखा था कि एक शख्स ने ट्रेन से आत्महत्या कर ली। इस खबर को पढ़कर वो भी आत्महत्या करने का मन बना लेती है ताकि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, और दिया आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरियों की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन रास्ते में एक चोर दिया का पर्स चुराकर भाग जाता है। दिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रोहित के ख्यालों में खोई थी। अब दिया ट्रेन की पटरी पर आकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। दोस्तों ये वही सीन होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। चूंकि दिया को मंडी से डर लगता है इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी दिया को एक कॉल आता है, फोन की घंटी सुनकर दिया आंखें खोल लेती है और ट्रेन की पटरी से बाहर आ जाती है। दिया कॉल को अटेंड कर लेती है। उधर से एक शख्स बोलता है कि तुम्हारा बैग मेरे पास है, चोर जब बैग लेकर भाग रहा था तब मैंने उसका पीछा किया और बैग को छुड़ा लिया, लेकिन जब मैं बैग को तुम्हें देने के लिए वापस आया तब तक तुम जा चुकी थी। तुम्हारे बैग से ही मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिला है, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि कहाँ मिलना है ताकि मैं तुम्हारा बैग वापस कर सकूं। दिया बोलती है मुझे बैग वापस नहीं चाहिए, अब वो बैग तुम ही रख लो, ऐसा बोलकर वो फोन को कट कर देती है। इस शख्स का नाम आदि होता है, ये हसमुख होता है, लोगों को हंसाता ही रहता है। आदि यहाँ पर पढ़ाई करता है। आदि की माँ एक डॉक्टर होती है जो अक्सर शहर से बाहर ही रहती है। आदि अपनी माँ को लकी कहकर बुलाता है क्योंकि आदि के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। आजकल आदि की माँ इसी शहर में होती है। एक दिन आदि बाइक की सर्विसिंग कराने जाता है, वहाँ पर उसे एक बाइक पसंद आ जाती है। आदि अपनी माँ से बोलता है कि लकी मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, क्या मैं इसे ले लूँ। माँ बोलती है नहीं, फालतू खर्चा क्यों करना है, महंगी बाइक है, तुम लोन लेकर इसे खरीदोगे, इतनी महंगी बाइक खरीदने का क्या फायदा जो लोन लेकर खरीदी जाए, ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इधर दिया अपनी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास होती है। आदि भी किसी काम से यहाँ आया होता है। वो दिया को देख लेता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो दिया से बोलता है तुम्हारे चरण कहाँ है, मैं उनका फोटो खींचकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाना चाहता हूँ। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे अपनी चीज वापस नहीं चाहिए, अब तुम यहीं पर रुकना, कहीं पर जाना मत, मैं तुम्हारा बैग लेकर वापस आ रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो बैग लेने चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तब तक दिया यहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद आदि उस बाइक को देखने चला जाता है। वो बाइक को देखकर बोलता है कि काश मैं ये बाइक ले पाता। तभी पीछे से एक कर्मचारी बोलती है कि मुबारक हो सर, ये बाइक आपकी हो गई, आपकी माँ ने इसे कल ही बुक कर दिया था। आदि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी माँ कॉल करके बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम महंगी बाइक खरीदो, लेकिन मैं तो अपने बेटे के लिए महंगी बाइक खरीद सकती हूँ। इसके बाद आदि अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। रात को जब उसकी माँ सो रही होती है तब आदि अपनी माँ के जागने का इंतजार करता है क्योंकि आदि ने उसकी माँ के लिए एक लेटर लिखा था। तभी माँ की आँख खुल जाती है। आदि माँ को लेटर पढ़कर सुनाता है। वो बोलता है कि मेरी प्यारी माँ। आदि की माँ बोलती है तुमने मुझे माँ बुलाया, तुम तो मुझे लकी बोलते हो ना। आदि बोलता है मैं तुम्हें लकी क्यों बोलता हूँ, ये पूरा लेटर सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा। माँ बोलती है ठीक है सुनाओ। आदि बोलता है मेरी प्यारी माँ मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मेरे पास तुम हो। तभी कोई मिलने आ जाता है और आदि लेटर पूरा नहीं पढ़ पाता। अगले दिन आदि अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाता है। जब मूवी का इंटरवल होता है तो आदि देखता है कि उसके बगल में दिया बैठी है। आदि सरप्राइज हो जाता है। वो दिया के हाथ जोड़ लेता है और बोलता है प्लीज मूवी खत्म हो जाने के बाद मेरे साथ चलना और अपना बैग ले लेना। जब मूवी खत्म हो जाती है तो आदि दिया के साथ बाहर आता है। आदि बोलता है जिंदगी बड़े सरप्राइज देती है, हमारी जिंदगी सरप्राइज और चमत्कारों से भरी पड़ी है। तब दिया आदि को एक भिखारी को दिखाती है और बोलती है कि तुम जैसा सोचते हो जिंदगी वैसी नहीं है, जिंदगी इसे कहते हैं दर्द और परेशानियों से भरी हुई। आदि बोलता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई परेशान नहीं है, चारों तरफ शांति ही शांति है। इसके बाद आदि दिया को शमशान में ले जाता है और बोलता है कि यहाँ देखो सभी लोग कितने शांत हैं, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी जान दे सको,
तो उसी हिम्मत को अपनी जिंदगी संवारने में क्यों नहीं लगाती। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे अच्छे से जियो। आदि की बात सुनकर दिया को हिम्मत मिलती है। इसके बाद आदि दिया को उसके घर छोड़ने जाता है। दिया आदि को बढ़िया सी कॉफी बनाकर पिलाती है। आदि बोलता है, कॉफी बहुत अच्छी बनी है, तुम्हारे होने वाला पति तुमसे बहुत खुश रहेगा, तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। दिया बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करने का फैसला लिया है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आदि बोलता है, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, तुम्हारे सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा है और तुम शादी करने से मना कर रही हो। दिया बोलती है, प्लीज मजाक में भी ऐसी बात मत बोलना, तुम्हारे पास तो कई दोस्त होंगे लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं है, तुम हमेशा मेरे दोस्त बनकर ही रहना। इसके बाद आदि अपने घर चला जाता है। अगले दिन आदि दिया को लेने आता है और अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। दिया बोलती है, तुम मुझे कहीं शमशान घाट तो नहीं ले जा रहे। लेकिन आदि दिया के लिए एक पार्टी करता है क्योंकि आज दिया का बर्थडे होता है। दिया आदि द्वारा दी हुई पार्टी से बहुत खुश होती है, उसका मन हल्का हो जाता है। अगले दिन दिया आदि से बोलती है कि मेरे अंकल की माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर आदि उदास हो जाता है और वो दिया से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वहाँ पहुँचकर उदास मत होना, मुस्कुराती रहना, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। इसके बाद दिया उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। दिया के जाने के बाद आदि अपनी माँ को कॉल करता है। वो माँ से बोलता है कि माँ, दिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, लेकिन आज रात वो वापस जा रही है, मैं उसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। तब माँ आदि को एक आइडिया बताती है। वो बोलती है कि दिया की ट्रेन कारवार से होकर गुजरेगी, तुम वहाँ तक उसके साथ आ जाओ, वहाँ से दिया अपने रास्ते चली जाएगी और तुम मेरे पास आ जाना। दरअसल कारवार आदि का गांव होता है, उसकी माँ भी आजकल कारवार में ही है। आदि बोलता है, ठीक है लगी, मैं कारवार की 2 टिकट ले आता हूँ। माँ बोलती है, मैंने तुम्हें 2 लाख की बाइक किसके लिए दी है, दिया को उस पर बैठा कर ले आओ। इसके बाद आदि दिया को बाइक पर बैठा कर चल पड़ता है। रास्ते में दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और नेचर का मजा उठाते हैं। कारवार पहुंचकर आदि दिया को अपनी माँ से मिलवाता है। रात को आदि दिया को सुलाकर अपनी माँ के पास आ जाता है और बचा हुआ लेटर पढ़कर सुनाता है। वो बोलता है कि माँ, तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी है, मुझे पता है कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन माँ से दोस्त कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी आदि के पास एक कॉल आता है। आदि को पता चलता है कि दिया की तबीयत खराब है, इसलिए आदि लेटर को अधूरा छोड़कर दिया के पास आ जाता है। वो दिया को दवाई देता है और आराम करने का बोलता है। दिया बोलती है, अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आई तो सोने से पहले उसे याद करना जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। दिया यहाँ पर आदि को वही फॉर्मूला बताती है जो कि दिया को रोहित ने बताया था। रात को आदि जब अपनी आंखें बंद करता है तो आदि के सामने दिया का चेहरा आ जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं दिया से प्यार करता हूँ। यही बात आदि अपनी माँ को बताता है। माँ बोलती है, अगर तुम दिया से प्यार करते हो तो उसे प्रपोज कर दो। आदि बोलता है, मैंने एक बार दिया को मजाक में बोला था, उसने मना कर दिया। अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे दूर न चली जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। इधर दिया के सपने में भी आदि आता है। वो सोचती है कि मैं कहीं आदि से प्यार तो नहीं करने लगी। अगली सुबह आदि दिया को ट्रेन तक छोड़ने जाता है। यहाँ आदि दिया की तरह बातें करता है और दिया आदि की तरह। इसके बाद आदि दिया को गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। आदि दिया से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें और अक कर सकता हूँ। दिया बोलती है, जब तक अगला स्टेशन नहीं आ जाता तब तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम जितने चाहो उतने अक कर सकते हो। आदि उसे फिर से गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। जब स्टेशन आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद आदि वापस आ जाता है और दिया आगे चली जाती है। वापस आकर आदि अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। इधर दिया जब घर पहुँचती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि सामने रोहित खड़ा होता है। दरअसल जब रोहित को चोट लगी थी तब उसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि वो कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने बताया कि रोहित को कोमा से बाहर आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, हो सकता है वो कभी कोमा से बाहर ही ना आ पाए। दिया के पिता अगर दिया को रोहित की सच्चाई बता देते तो दिया हमेशा के लिए रोहित के पास ही रहती और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। रोहित का पता नहीं वो कोमा से बाहर आ पाएगा या नहीं। दिया की जिंदगी संवारने के लिए दिया के पिता ने उससे झूठ बोला था।
दिया के पिता दिया और रोहित की सगाई फिक्स कर देते हैं। वे अब रोहित को अपना चुके थे। सभी लोग रोहित और दिया को अकेला छोड़ देते हैं। रोहित दिया को जोर से गले से लगा लेता है और बोलता है, मुझे पता है मेरे बिना तुम पर क्या गुजरी होगी। मुझे नहीं पता तुम मुझे भूल पाई या नहीं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन दिया कुछ नहीं बोल पाती। वो फूट फूट कर रोने लगती है। रात को दिया आदि को कॉल करती है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब आदि को बता देती है। आदि इस खबर को सुनकर बेचैन हो जाता है। वो दिया से बोलता है कि मुझे 5 मिनट का टाइम दो, तुमसे अभी बात करता हूँ। इसके बाद आदि रोने लगता है। कुछ देर बाद आदि दिया से बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ, हम दोनों सभी लोगों को अपनी सच्चाई बता देंगे। दिया कुछ नहीं बोल पाती। वो कुछ बोलना तो चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। आगे आदि बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसका बेटा खुदगर्ज बन गया। मैं अपनी माँ की नजरों में गिनना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज मुझ पर एक एहसान करना। तुम अपनी सिम को तोड़ देना ताकि मैं तुम्हें कभी कॉल न कर पाऊँ, और मेरी चिंता मत करना। ये मत सोचना कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अपने मन पर कोई बोझ मत रखना, हमेशा खुश रहना। और आदि बाय बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद आदि अपनी माँ के पास आ जाता है और सारी सच्चाई माँ को बता देता है। माँ बोलती है, तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक किया, मुझे तुझ पर गर्व है। आदि बोलता है, माँ मैंने दिया को बोल तो दिया लेकिन मैं उसे बुला नहीं पा रहा हूँ, मुझे हर वक्त दिया ही नजर आती है। माँ बोलती है, जब तुम हल्का महसूस करो तो मेरे पास आ जाना। इसी तरह दिया को याद करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन आदि दिया को बुला नहीं पाता। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन आदि के पास दिया की दोस्त का कॉल आता है। वो बोलती है, तुम दिया की शादी में नहीं जा रहे, कल दिया की शादी है। शादी के बाद दिया और रोहित सिंगापुर चले जाएंगे। इस खबर को सुनकर आदि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भी वो उससे बोलता है कि मैं कल शादी में आऊंगा। इस खबर को आदि अपनी माँ को बताता है। माँ बोलती है, तुम शादी में मत जाना, वहाँ तुम परेशान हो रहे होंगे, इधर तुमसे ज्यादा मैं परेशान हो जाऊंगी, प्लीज मेरे लिए तुम वहाँ पर मत जाना। लेकिन अगले दिन आदि शादी में चला जाता है। वो रास्ते से अपनी माँ को कॉल करता है और बोलता है कि माँ मैंने पहली बार तुम्हारी बात को टाला है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ऐसा बोलकर वो फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। आदि अब शादी में पहुँचता है तो दिया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ से जाने लगता है। तभी दिया की दोस्त उसे रोक लेती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें दिया से मिलवाती हूँ, और वो जबरदस्ती दिया से मिलवाने के लिए ले जाती है। दिया जब आदि को देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आदि उसे शादी की बधाइयां देता है और आंखों में आंसू लिए यहाँ से चला जाता है। दिया की आंखों में आंसू देखकर रोहित दिया के हाथ को 3 बार प्रेस करता है। इसका मतलब होता है आई लव यू, लेकिन दिया रोहित को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। उसकी आंखों में तो बस आंसू थे। इसके बाद दिया रोहित को उसकी और आदि की सच्चाई बता देती है। सच्चाई सुनकर रोहित बोलता है कि तुम तो अपनी जिंदगी खत्म करने चली थी, लेकिन आदि ने तुम्हें नई जिंदगी दी, आदि ने तुम्हें जीना सिखाया है। तुम तो मुझे भूल चुकी थी, आदि बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, और तुम मेरी चिंता मत करना और हमेशा खुश रहना। यह सुनकर दिया खुश हो जाती है और आदि के घर चली जाती है। वहाँ आदि के दोस्त से पता चलता है कि रात को आदि की माँ की मौत हो गई। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आदि अब शादी से घर वापस आ रहा था, तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। एक डॉक्टर आदि को बताती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, घर पर कोई नहीं था, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, अगर घर पर कोई होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। आदि बोलता है, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सभी लोगों के जाने के बाद आदि माँ को बचा हुआ लेटर पढ़कर सुनाता है। वो बोलता है, पता है माँ मैं तुम्हें लकी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए लकी हो। ऐसा बोलकर आदि फूट फूट कर रोने लगता है। इधर दिया को पता चलता है कि आदि रेलवे स्टेशन पर गया है। इधर आदि रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है। आज आदि की वही सिचुएशन होती है जो कभी दिया की हुआ करती थी। वो सोचता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो दिया है और ना ही माँ, मेरे कारण ही मेरी माँ की मौत हुई है। अगर मैं घर पर होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती, अब मेरे पास जीने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोचकर वो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी यहाँ पर दिया आ जाती है। वो आदि को आई लव यू बोलती है। आदि जब आंखें खोलकर देखता है तो सामने दिया होती है। दिया को देखकर आदि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे दिया के पास जाने लगता है। वो दिया के पास पहुँचने वाला ही होता है तभी ट्रेन आ जाती है
और आदि की मौत हो जाती है। ये देखकर दिया अक्की बक्की रह जाती है। अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचाता, सब कुछ खत्म हो चुका था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।